आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मुगलपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 20 साल पहले मुगलपुरा इलाके में हत्या करके फरार होने वाले आरोपी को मुगलपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके में 20 वर्ष पहले आरोपी हत्या करके फरार हो गया था, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी थी और तत्कालीन आईजी ने 10,000 रुपये का इनाम भी आरोपी पर घोषित कर रखा था, लेकिन आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। 20 वर्ष बीत जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी मुरादाबाद पुलिस द्वारा की गई और एसपी सिटी अमित कुमार आनंद द्वारा घटना का खुलासा किया गया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने 20 वर्ष पहले मुरादाबाद में हत्या को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये फरार हो गया था और लखनऊ में अपना नाम बदलकर ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इस पर तत्कालीन आईजी द्वारा 10,000 का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। इस आरोपी के ऊपर उधम सिंह नगर में भी 5,000 का इनाम घोषित है और इस पर कई संगीन धाराओं में जनपद में मुकदमा भी दर्ज है। आज पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज मीडिया ग्रुप के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। ये थाना मुगलपुरा ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 2002 से लगभग 20 साल से हत्या का एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। ये उसी समय से फरार हो गया था जिसकी पुलिस को तलाश थी। ये परवेज उर्फ पर्रू है। तत्कालीन समय में आईजी जोन बरेली द्वारा इस पर 10,000 रुपये का इनाम किया गया था। साथ ही उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले से भी इस पर 5,000 रुपये का इनाम है। ये नाम बदल कर लखनऊ में रह रहा था और वहाँ पर यह टेम्पो चला रहा था। आज इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पिछले में कोई आपराधिक इतिहास है सर इसके ऊपर? पूर्व में हत्या के, लूट के, चोरी के आपराधिक इतिहास है इसका। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।